Problem number 2.28 the unit length convenient on the nuclear scale is Fermi such that 1 Fermi is equal to 10 raised to power minus 15 meter. Nuclear size obey roughly the following empirical relation R is equal to R0 A raised to power 1 by 3 where R is radius of nucleus, A is a mass number and R0 is a constant equal to be about 1 by 2 Fermi. शो डैट रूल इम्प्लाइज डैट न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज नियरली कॉन्स्टेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियइज एस्टिमेट द मास डेंसिटी ऑफ सोडियम न्यूक्लियस कंपेयर इट विद द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम ओबेंड इन एक्सरसाइज टू पॉइंट टू सेवन सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू आर नाट ए रेज टू पावर वन बाई थ्री

प्रोटोन न्यूट्रॉन्स एंड सो ऑन। नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स से मिलके हमारा न्यूक्लियस बनता है सो मास नंबर इज़ नॉट अ मास आप ये ध्यान रखिए कि ये मास नंबर है ये मास नहीं है सो मास नंबर टेल्स हमें क्या बताता है नंबर ऑफ प्रोटोन्स इन अ न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ये हमें डिज़र्ट बताता है नंबर बताता है आप कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस फॉर मास फॉर मास हम यूज करते हैं ए एमयू सो लेट से वन ए एम यू ऑटोमिक मास यूनिट सो अटोमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है सो so, हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस का मास कितना होता है इन अदर वर्ड्स हमें मालूम है कि हमने एक कंडीशन रखी हुई है कंसिडर किया हुआ है कि होल द मास ऑफ एटम्स लाइज इन न्यूक्लियस सो सेम वे से आप कह सकते हैं कि मास ऑफ एटम और मास ऑफ न्यूक्लियस किसकी इक्वल आएगा सो मास नंबर इज़ माई ए इट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सो जो मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं

कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे इन आ न्यूक्लियस वो को क्या बताएगा हमें मास नंबर सो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है अबाउट 1.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ए एम यू अटोमिक मास यूनिट और इन अदर वर्ड्स मास ऑफ डैट न्यूक्लियस विच कंटेंस ए नंबर ऑफ मास नंबर विच कंटेन्स ए ऑफ मास नंबर सो स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले से सो फर्स्ट थिंग हमें क्या गिवन है? वन हैटोमिक मास यूनिट ऑफ एनी न्यूक्लियस विल बी ए मास नंबर इंटू वन सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ठीक है जी फॉर एनी न्यूक्लियस फॉर एनी न्यूक्लियस एंड नेक्स्ट थिंग हमें फाइंड करने को क्या कहा गया मास डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियस शो डैट मास डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट फॉर एवरी न्यूक्लियई सो हमें मालूम है वी नो दैट डेंसिटी हम डिफाइन करते रोसे इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम सो वी गॉट अ मास हेयर एंड वी नो दैट वॉल्यूम लेट इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल वी सो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सो हेयर रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेस्ट वन बाय थ्री हमें गिवन है सो so, इसकी वैल्यू कर देंगे यहाँ पे तो मेरे पास कितना फोर बाई थ्री इंटू थ्री वन फोर पाई की वैल्यू इन टू आर ए इंटू वन सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन रेस टू पावर क्यूब यूनिट मीटर क्यूब सो फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू अब ए को मैं यहाँ पे ए ही रहने देता हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है मास अपॉन वॉल्यूम सो मास में भी मेरे पास ए है वॉल्यूम भी है तो मुझे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी सो इट कम्स आउट टू बी सेवन पॉइंट टू फोर इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टी फाइव इंटू ए यूनिट सिक्स के आगे मीटर क्यूब नाउ वी आल्सो गॉट वॉल्यूम नाउ डेंसिटी हमें मालूम है मास अपॉन वॉल्यूम एम अपॉन वी और आप कह सकते हैं ए एम यू अपॉन वी इज इक्वल टू ए इंटू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी अपॉन सेवन पॉइंट टू फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टी फाइव मीटर क्यूब सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माई डेंसिटी कम्स आउट टू बी टू पॉइंट टू नाइन इंटू टेन रेस टू पावर 17 kg meter inverse cube so that's comes my density so here you can see that in density it is a free of a a, a, a cancel out the density is free from mass number so we can say that as डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए जो हमारी डेंसिटी आई है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए आई है सो इट मे बी इंक्लूडेड एट इट मे भी कंक्लूडेड डेट द न्यूक्लियर

हम फर्दर सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं एस्टिमेट द मास डेंसिटी ऑफ सोडियम न्यूक्लियस एंड कंपेयर इट विद एवरी मास डेंसिटी ऑफ सोडियम इन ओबेंड सो हमें मालूम है कि न्यूक्लियस जो भी हमने फाइंड करी है, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी ठीक है जी इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टेन रेस टू पावर सेवनटीन के जी मीटर क्यूब इनवर्स

फोर लेट इट टेक इट दिस फोर पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू पावर थ्री के जी मीटर इनवर्स क्यूब सो वी हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सोडियम एटम के लिए डेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी इज इक्वल टू फोर पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू पावर थ्री के जी मीटर क्यूब फ्रॉम ये हमें कहा से आई फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज 2.27 से हमें ये डाटा मिला नाउ अब उसने किया क्या है कंपेयर एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम सो स्टार्ट करते हैं सो so, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने को क्या है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस विद डेंसिटी ऑफ एटम हमें कंपेयर करना है तो हमने इसकी रेशियो निकाल ली सो so,

13 times heavier as compared to atom or 4.9 into to 13 greater as compared to atom. So this is our answer.